आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज कवर करेंगे। और एक बात, कल पहला क्लास था रात को 11:30 बजे जनवरी का, आज दूसरा क्लास है। दो दिन में पूरा जनवरी हम खत्म कर देंगे बिना एक क्वेश्चन छोड़े। वो नहीं कि टॉप 50 पढ़ लो, टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ लो करंट, वो सब नहीं। मेहनत में कमी नहीं रखना है, क्योंकि धरती पर एक को इंसान नहीं ना जो बिना मेहनत का कामयाब हुआ है, तो हम लोग कैसे हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, आज यानी कल तो पढ़ा दिए थे, आज ना पूरा जनवरी खत्म कर देंगे। और पीडीएफ टेलीग्राम पर दिए हैं, पीडीएफ पढ़कर क्लास में अपने आप को जज कर लेना, और जनवरी दो दिन में खत्म होने के बाद दोबारा पीडीएफ पढ़ लेना, यानी सारा क्वेश्चन भी पढ़ लिए बिना एक क्वेश्चन छोड़े, और हमको हर एक क्वेश्चन याद भी हो गया। 20-25 दिन में पूरा साल भर का करेंट अफेयर कवर करना है, और ये कब बीत जाएगा समय पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अभी नहीं पढ़े ना, फिर आप बोलेंगे कि भैया करंट अफेयर कैसे करें, भैया टॉप को इंपॉर्टेंट बताइए। भैया इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं बता सकता। अगर कोई टीचर बोलता है साल भर का 500 पढ़ लो, ये अति महत्वपूर्ण है, तो वो बस बता रहा है उस बच्चों को जो बच्चे मेहनत करना कम चाहते हैं। बाबू इतना पढ़ लो, आया तो ठीक, नहीं आया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका। तो आप समझो आपको मेहनत करना है कि नहीं करना है। और इसका पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। करंट अफेयर 10 मिनट डेली पढ़ाते हैं बिना एक क्वेश्चन छोड़े। फटाफट करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर में जीके जीएस नहीं घुसाना है, ऐसे पढ़ना है ताकि ना दिमाग में हर एक क्वेश्चन छपे, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से दुनिया का कौन सा नेता को ना 71% वोटिंग की रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर स्थान मिला है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टेयरिंग ग्रुप, इस ग्रुप का एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी इस ग्रुप का प्रसार प्रचार करने के लिए। तो याद रखिएगा पेटीएम या पेटीएम पेमेंट बैंक के जो सीईओ है ना, विजय शेखर शर्मा, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। पेटीएम कब आया था भारत में, कब, तो 2006 में। पेटीएम पेमेंट बैंक कब, इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो याद, पेटीएम पेमेंट बैंक का, पेटीएम पेमेंट पेमेंट बैंक का, तो याद रखिएगा इसका 2010 में, ये दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार ये संस्था है समय समय पर जीडीपी का अनुमान लगाते रहती है, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इस संस्था ने बोला है ना वित्त वर्ष 23 में भारत का तो जीडीपी रहने वाला है ना वो 7.6% रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा, याद रखिएगा मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना एग्जाम में सब क्वेश्चन छपेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, सबको पता है। उनके द्वारा एक किताब ना जिसका विमोचन किया गया, किताब का नाम क्या है, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। आपको पता होगा बिरसा मुंडा को झारखंड बिहार में भगवान मानते हैं, क्योंकि ये बहुत लड़ाई लड़े थे ना दलित के लिए। तो याद रखिएगा द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किताब जिसका विमोचन भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया, जिसको लिखा कैसे होता है, तुहीन ए सीना और अंकिता वर्मा, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तक को आप देख भी पा रहे होंगे, इन दोनों का नाम भी नीचे में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस चिल्ड्रन वर्ड्स ऑफ द ईयर 21 के रूप में किस शब्द को चुना गया है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में बोले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ड्स ऑफ द ईयर 21 के रूप में किस शब्द को चुना गया है, एंग्जाइटी, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी क्या, आपको अंग्रेजी ही नाम याद रखना है ना, एंग्जाइटी, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटीज आउटलुक 22 के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार रैंसमवेयर, रैंसमवेयर नाम सुने हो,
जो ऑनलाइन अटैक होता है, अगर मान लो आप लैपटॉप चला रहे हो, आपके ऊपर ऑनलाइन अटैक हो गया, साइबर अटैक, आपका लैपटॉप नहीं खुल रहा है, अब आपसे पैसे की फिरौती का मतलब मांग के जाएगा, पैसे दोगे तभी आपका लैपटॉप खुलेगा, तभी आपका फाइल देंगे, आपने बीच में सुना होगा ना। तो ऐसा कितना साइबर सिक्योरिटी अटैक हो रहा है, इसके अनुसार 21 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 151% का वृद्धि हुआ है विश्व भर में, इतना अटैक बढ़ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत द्वारा आपातकाल ईंधन आयात के लिए श्रीलंका को ना भारत ने $500 मिलियन का ऋण दिया है, और कुछ दिन पहले भारत ने ही श्रीलंका को $900 मिलियन का भी ऋण दिया था, और अभी वर्तमान में ईंधन आयात के लिए $500 मिलियन का लोन दिया है, कौन ऋण दिया है, भारत श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा देश महिलाओं का फुटबॉल एशिया कप का आयोजन कर रहा है, अभी ये प्रतियोगिता चल रहा है, भारत में हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, पहला मैच इंडिया ईरान महिलाओं का ड्रॉ रहा था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसका आयोजन कहां पर होगा, इंग्लैंड के ब्रिंगम में, याद रखिएगा आप सभी, एग्जाम में पूछेगा आप सभी से कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था, ब्रिंगम में इंग्लैंड में हुआ था। इसमें ना भारत की तरफ से प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राकेश आनंद को, ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर, क्लास अच्छा लगा होगा लाइक और शेयर कर देना कम से कम, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और देश का भी। ठीक है, जय हिंद।